सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक साइंस प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास है एक बॉल, और इस बॉल में मैं थोड़ी सी पानी डाल लेता तो हूँ। फ्रेंड्स, पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट जो है काम नहीं और करेगी। इस पानी के अंदर मैं डाल लेता हूँ 1 चम्मच तो नमक। इस नमक को हम इस पानी के अंदर अच्छे से घोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे एक सिंपल डीसी मोटर और देखेंगे कि यह जो मोटर है कैसे काम करती तो है। चलिए जल्दी से इस नमक को इस पानी के अंदर मैं यहाँ पर घोल लेता तो हूँ। फ्रेंड्स, जब तक नमक घुल रही है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो मिलती फ्रेंड्स, रहे। आप देख सकते हो कि नमक जो है पानी में अच्छे से घुल गई तो है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास है एक छोटी सी स्पीकर की और मैग्नेट, इसी मैग्नेट की सहायता से हम एक छोटी सी सिंपल डीसी मोटर बनाने की कोशिश करेंगे। और इस मोटर को चलाने के लिए हमें कुछ थोड़ी बहुत वोल्टेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। चलिए जल्दी से कनेक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और ये मेरे पास है रेड कलर की वायर, और इस रेड वायर को मैं मैग्नेट के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका लेता तो हूँ। फ्रेंड्स, हमें जो वायर है टेप से पूरी ढकनी नहीं है, ऐसा लगाना जैसे पानी में यह जो वायर है डूबी कुछ इस रहे। तरह से ये जो वायर है हमें लगानी है, ताकि पानी के अंदर हम इसे डालें तो यह पानी में अच्छे से टच हो तो सके। चलिए अभी से हम पानी में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी जो है मैंने कितनी रखी है। यह पानी जो है मैग्नेट के ऊपर नहीं जा रही है, इतनी पानी हमें यहाँ पर रखनी तो है। चलिए इसकी दूसरी कनेक्शन के लिए मैं एक कॉपर वायर ले लेता हूँ। और ये मेरे पास है कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉपर वायर हमें इस मैग्नेट के बीच में रखनी है, नहीं तो यह प्रोजेक्ट जो है अच्छे से काम नहीं फ्रेंड्स, करेगी। इन दोनों वायर में जैसे ही हम करंट देंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएंगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हम यहाँ पर एक कागज का छोटे छोटे टुकड़े तो फ्रेंड्स, लेंगे, ये मेरे पास है रेड और ब्लैक कलर की दो और वायर। इन्हीं दोनों वायर से हम इनमें सप्लाई तो देंगे। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से सप्लाई दे के देखते हैं कि कैसे ये जो है काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है बनना शुरू हो गई तो है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे से काम कर रही है। हालांकि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण यह बहुत फास्ट काम कर रही है। तो चलिए मैं वोल्टेज कम करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो है काम तो करती है। फ्रेंड्स, वोल्टेज को मैंने बहुत ही कम कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मोटर है बहुत धीरे धीरे जो है घूम रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी वेट करते हैं और देखते हैं कि यह जो मोटर है कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।